तो कल थर्ड वाला जो रिकॉर्डिंग भेजे सर, सिस्टमेटिक भेजे, बढ़िया, उसमें सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज का टॉपिक है। अच्छा जो उन्होंने आइडिया दिए, अच्छा आइडिया दिए उसमें ये अचानक। पारस का आइडिया था शायद, क्या सर? पारस का था या धीरज का, दोनों में से एक का आइडिया था। ये जो टॉपिक लिख करके भेजना था ना वो। सर ये डे 26 का रिकॉर्डिंग है। करेंगे वो, करेंगे दोबारा करेंगे। सर स्केचअप करने वाले हैं ना ओके स्टार्ट? सर क्या कह रहे हैं? सर स्केचअप स्टार्ट करने वाले हैं ना सर, कुछ ही दिनों में, परसों से। परसों से स्केचअप। सर परसों। 3D एक्सप्रेस बोल रहे थे पहले, अब स्केचअप हो गया सर। हाँ अब मेरी क्लास मत लगा देना सब मिलके, मैं टॉपिक शुरू करता सर हूँ। सर मेरा थोड़ा सा डाउट है हाँ बताइए। सर, रैबिट में ना कभी कभी फैमिली लोड नहीं होती है। मैंने ना आपको ना व्हाट्सएप किया हुआ है, एक जो इसमें लिखा हुआ आता है ना वो सेम आ रहा है। डोर कर लो, विंडो कर लो, कुछ और कर लो ना, तो यही लिखा हुआ आता है। चेक करता हूँ मैं एक सेकंड। Some or all the family's files you selected can't be loaded. You must choose family files for the category structural column. Do you want to retry loading any such files? ये सभी में आ रहा है ऐसा? हाँ ये भी होता है ना प्लेस कंपोनेंट में। ये गलत हाँ कैटेगरी तो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना ऐसा तब आता है। जैसे मान लो आप एक आर्किटेक्चरल कॉलम की जगह अगर आप स्ट्रक्चरल कॉलम को चूज करोगे तो आपको ये एरर आएगी, दैट मीन्स इफ यू कांट सेलेक्ट द राइट कैटेगरी इन दैट केस यू विल फेस और यू विल गेट द नोटिफिकेशन लाइक दिस। तो करेक्ट कैटेगरी को अगर आप इंसर्ट करोगे तो इशू नहीं आएगा। या क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, आप शायद ऐसा कर रहे हो या तो कंपोनेंट में जाके डोर को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कंपोनेंट के थ्रू आप डोर को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, विंडो में जाके आप बेड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप सही चीज से सही चीज को इंसर्ट नहीं करा रहे हो। जैसे आर्किटेक्चरल कॉलम में गए और वहां जाके आप विंडो को इंसर्ट कराओगे तो आपको ये वाली एरर मिलेगी क्योंकि आप करेक्ट अच्छा कैटेगरी इंसर्ट नहीं करा रहे हो। मैं दिखा देता हूँ आपको ना, आपको सेम ये कैसे सही और गलत में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगर ऑनेस्टली आपको रिव्यू देना हो तो अभी तक जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उसका फीडबैक कैसा होगा आपका ईमानदारी से? सब बहुत अच्छी चली है सर। कोचिंग सर ऐसा तो नहीं और कहीं नहीं है सर। क्या कह रहे हैं? सर बहुत अच्छा है, मैं आपको अच्छा बताता तो एक 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 फेवर कर सकते हैं आप लोग, ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। हूँ। हाँ जी सर बता। मुझे पता है ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बट आप लोग करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद हो सकता है हम कुछ और नई चीज़ें एडिशनली ऐड कर दें अगर ये चीज़ सक्सेसफुली होती है तो। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल का फ्रंट कैमरा होता है, तो फ्रंट कैमरा ऑन करके क्या आप इसके एक छोटी सी फीडबैक की वीडियो बना सकते हैं? इसमें सजेशन भी हो सकता है, इसमें आपका एग्जैक्ट फीडबैक भी हो सकता है, इसमें एप्रिसिएशन भी हो सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जो आपको फील होता है। कर सकते हैं? हाँ जी सर, करके आपको सर वो भेज देंगे। हाँ मतलब यस फ्रंट सर भेज कैमरा से आपको देंगे। रिकॉर्ड करना है। इस बैच में 45 लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखें, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि आप लोगों को करना क्या है, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का वीडियो हो सकता है। उसमें आपको आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस है PTS CAD एक्सपर्ट से जुड़ने के बाद, चाहे वो चैनल का हो या वो ट्रेनिंग का हो, वो आपको शेयर करना है हमारे साथ, ठीक है? सर वो अपलोड हो गया। उसमें से तीन तीन फीडबैक शॉर्टलिस्ट होंगे, कोई भी तीन बेस्ट फीडबैक शॉर्टलिस्ट होंगे एंड दे विल बी रिवॉर्डेड।
साउंड इंटरेस्टिंग? ओके सर, चलिए ओके सर, ठीक है। सर 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 मेरा सर रेविट में सर जो प्रॉब्लम हो गई थी सर, जो मैं बता रहा था वो रियलिस्टिक वगैरह वाला जो ऑप्शन होता है वो सर साइड में चला गया है हाँ वो मैं बता देता हूँ अभी। और ये सर टास्क, वो आप। ये टास्क आपको मंडे इवनिंग से पहले पहले करना है पूरा, हाँ सर बिल्कुल क्लियर? ओके चलिए सर। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बोला सर ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे कैसे, व्हाट्सएप कर दें? नहीं, आपको मेल करना है, जिस जो मेल आपको रिसीव होती है ना डेली, उसी मेल के रिप्लाई में भेज सकते हैं आप स्पेसिफिकली। ओके ऐसा नहीं कि जो ग्रुप मेल है उसके रिप्लाई में भेजें, इंडिविजुअली आप ये pts.cadexpert@gmail.com पे भी भेज सकते हैं, या prashantkumarsaini04@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। सेकेंड वन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो पर्सनल मेल आईडी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको डेली मेल आते हैं ना उसी के उसी में भेज सकते हैं, उसी को कॉपी करके और कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन में सबसे पहली जो क्वेरी थी वो कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम अपनी रेगुलर क्लास कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो जी, बोलिए सर। वो 36 नंबर का रिकॉर्डिंग नहीं है सर? मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो वो जवाब आपको मिल जाएगा उसका। वो एक और एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली, मैं बाद में ज्वाइंट हुआ, मुझे इस चीज का पता नहीं है। हाँ मैं वो समझ गया, थोड़ा लेट आया इसलिए। रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जब इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे ना, मैं आज ही भेज दूंगा आपको ये, तो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसके साथ क्या इशू है। बट जो भी कंटेंट मिस हुआ है या जो टॉपिक का वीडियो आपको अभी तक नहीं मिला है, वो सारे टॉपिक मैं आपको शेयर ज़रूर करूंगा इन फ्यूचर, ठीक है? हाँ जी सर। तो अभी जैसे मान लीजिए ये हमारे पास व्यू है, और इसमें एक प्रॉब्लम मुझे शेयर की थी शायद ये है, चलो नाम में नहीं जाते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। यह है सम और ऑल द फैमिलीज फाइल्स यू सेलेक्टेड कांट बी लोडेड, यू मस्ट चूज इन फाइल्स ऑफ द कैटेगरी स्ट्रक्चरल कॉलम, यू डू यू वॉन्ट टू रिट्राई लोडिंग अ न्यू सेट ऑफ फाइल्स। एक बार देख लीजिए आप लोग, मैं दिखा देता हूँ ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये रैबिट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इनको फेस करनी पड़ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम आती क्यों है ये भी बता रहा हूँ। जैसे रैबिट के अंदर अभी रैबिट दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर जी, यस सर। ये विंडो है, मैंने विंडो पे क्लिक किया, तो विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोड फैमिली का ऑप्शन आता है, और मैं यहाँ पे डोर पे क्लिक करता हूँ, और मैंने डोर चूज कर लिया एंड ओके, सी ओके किया, तो मुझे कुछ इस तरह का ये देखो, कैन नॉट लोड फैमिली फाइल्स, सम और ऑल द फैमिली फाइल्स यू सेलेक्टेड कांट बी लोडेड, यू मस्ट चूज एन फैमिली। सेम है ना, बिल्कुल एज इट इज है ना ये, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हमने गलत फैमिली को चूज किया है। अब यहीं पे आपको करना इतना है बस, कि अब आपको पता है आप विंडो में गए हैं, तो यहाँ से पीछे आना है और विंडो वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ से कोई भी विंडो की टाइप चूज कर लेनी है। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, ओके, तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से लोड भी हो गया, और इसे आप अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ अप्लाई करना है तो सेलेक्ट किया हमने, इस विंडो को डिलीट किया, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी सर जी, ये आपकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन था। सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है। हाँ बताइए ना। वीरा इंस्टॉल किया लेकिन उसमें एक एरर आ रहा है, रेविट एनकाउंटर्ड एक्सटर्नल प्रॉब्लम विद वीरा, ऐसा आ रहा है। सीजन राइट? यस।
तो वो कैसे सोल्व करेगा? उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे पास व्हाट्सएप करो, मैं चेक करता हूँ, okay. बताता हूँ आपको. ओके ओके सर, ओके सर. मेरी रेविट के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा सर, ये प्रोजेक्ट ब्राउजर और ये पगल वाली रियलिस्टिक वगैरह. अच्छा अच्छा हाँ, देखो अभी दिख रहा है ना प्रॉपर आपको, ये कॉर्नर में चले गए सारे ऑप्शन. हाँ जी सर. ठीक है, अब मान लो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, ये मैंने रखा, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे इसे भी रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया. तो अब देखो दोनों ऑप्शन एक के अंदर एक आ गए, लेकिन स्टिल मुझे वो ऑप्शंस विजिबल नहीं हो रहे. नहीं हो रहे ना? हाँ जी सर. हाँ, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है? सी, पहले तो दोनों को अलग अलग करो, प्रॉपर्टी को और प्रोजेक्ट ब्राउजर को. ये मैंने अलग अलग कर दिया. अभी सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्राउजर को पकड़ो और यहाँ से ये देखो इस विंडो में जाना पड़ेगा नीचे, और ये दो तरीके से हाईलाइट होगी. ये इस तरीके से हाईलाइट हो रही है, तो इसको तो करो ऊपर सेट. ये यहाँ पे सेट हो गई. हाँ जी सर. इतनी आसानी से सेट नहीं होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ वैसे मेरे में पूरी एकदम बड़ी हो जा रही है सर. अभी हो गई सेट. इसको करो अरेंज इतना का. अब देखो ये प्रॉपर तरीके से सेट हुई है ना, नीचे जरा नीचे गौर करो, अपने आप करेक्ट हो गया ना. हाँ जी सर. बस ऐसे ही करना है, ड्रैग है, सिंपल ड्रैग करके बिल्कुल कॉर्नर. अच्छा, में ले जाओ बिल्कुल कॉर्नर में. तो जैसे कॉर्नर में लेके जाओगे देखो हाईलाइट हो रहा है ना अपने आप. हाँ जी सर. हाँ जी सर. जहाँ हाईलाइट हो वहीं छोड़ना है, तो अपने आप ये सेट हो जाएगा नीचे. और ये सेट होने के बाद अब इसको पकड़ो और इसके बॉटम में जाओ, तो ये दो तरीके से शो करेगा. जब ये हाफ विंडो शो करने लगे ना, तब छोड़ना है आपको. तब आप देखोगे दोनों अपने आप एडजस्ट हो गए यहाँ पे. हो गए ना? हाँ जी सर. ठीक है सर. ऑप्शन भी विजिबल हो रहे हैं, तो इस तरीके से करना है आपको. क्लियर? थैंक यू सर. ओके, तो रेगुलर सेशन शुरू करें या कोई और भी डाउट है? एक डाउट मुझसे और पूछा था शायद किसी ने, बैलुस्टर को लेकर के. आप है मीटिंग में जिन्होंने ये डाउट पूछा था? किसने पूछा था? शुभम. शुभम आप हो मीटिंग में अभी? नहीं है. चलिए फिर भी मैं उनका डाउट एक बार कंसिडर कर लेता हूँ. उनकी जो क्वेरी है, हाँ ये देखिए, मैं एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ क्वेरी क्या है, फिर मैं आपसे पूछूंगा अभी इसका सॉल्यूशन क्या है. अगर आप में से कोई बता पाए तो बहुत अच्छी बात है. ये देखिए, ये दिख रहा है आपको इमेज? इसमें जो रेलिंग है उसमें रेल तो प्रॉपर है, स्टील के अंदर देखो रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, बट जो बैलुस्टर्स हैं वो यहाँ पे बिना मटेरियल के हैं, वाइट वाइट कलर के विजिबल हो रहे हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इसमें अगर बैलुस्टर के अंदर मटेरियल अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट करके प्रोफाइल. चलिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे अब ये जो बैलुस्टर्स हैं इन्हीं को एग्जांपल बतौर लेते हैं. मान लो अभी ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं जितने भी बैलुस्टर्स हैं, मुझे ये स्टील कलर में दिखाने हैं या फिर कोई दूसरा मटेरियल देना है. तो अभी आपने कहा कि मैं इसे सेलेक्ट करूँ और एडिट टाइप में जाते हैं. यहाँ से एडिट टाइप में आ गए. नाउ व्हाट नेक्स्ट? मटेरियल का नीचे स्क्रॉल करें. क्या करेंगे? स्क्रॉल कीजिए नीचे, मटेरियल का होगा. स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, बट देयर इज नो ऑप्शन. शायद इसका पैरामीटर ऐड करके कर सकता है. बैलुस्टर प्लेसमेंट में भी जाएंगे तो यहाँ भी मटेरियल का कोई ऑप्शन नहीं है. रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 अपना जो माइक है उसे म्यूट कर लीजिए. हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, अदरवाइज आप ही लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी रिकॉर्डिंग में. तो मटेरियल पैरामीटर ऐड कर सकते हैं? नहीं. कोई दूसरा आइडिया है किसी के पास? हाँ सर, मैंने किया था. मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक बार बाहर जाना. आप बाहर आ गया मैं, मतलब ऑफिस से बाहर जाऊं या window? नहीं नहीं, ये विंडो से बाहर जाना. ठीक है, आ गए. इससे भी बाहर? इससे भी बाहर आ गए. हाँ, यहाँ पे
एडिट पाथ आ रहा है ना, एडिट प्रोफाइल नहीं आ रही। एक्सट्रूड वाला तो वैसा हो जाता है, एडिट प्रोफाइल करके ना, ये मटेरियल का पेंट वाला है, यहाँ पे नहीं आ रहा वो ऑप्शन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। तो बैलुस्टर को सेलेक्ट करना है आपको, और सबसे पहले तो ये देखना है कि ये बैलुस्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये बैलुस्टर का नाम है बैलुस्टर, जस्ट बैलुस्टर, ये इसका नाम है, दिख रहा है यहाँ पे बैलुस्टर करके आ रहा है। आपको इसकी फैमिली ढूंढनी है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। अगर आप इसकी फैमिली ढूंढ पाए तो आप इसे कर पाएंगे चेंज, अगर नहीं ढूंढ पाए तो नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली ढूंढने का प्रोसेस शुरू करते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और फैमिली में जाएंगे। फैमिली में आने के बाद जहाँ पे भी आप सेव करते होंगे वहाँ पे आपको ढूंढना है, क्या नाम था, बैलुस्टर ना, तो यहाँ बैलुस्टर है नहीं, तो डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो हो सकता है हिस्ट्री में कहीं मिल जाए, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो शायद ये हमें डेस्कटॉप पे मिल जाए, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो फिलहाल हमारे पास ये नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ, ये मिल गया मुझे भरोसा नहीं था मिल जाएगा बट मिल गया। तो डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है बैलुस्टर की फैमिली, इसे ओपन कर लेंगे, नहीं है तो बना लेंगे, ये ध्यान रखना, नहीं है तो बना लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इसे एडिट करना है। देखो मटेरियल एडिट करने के लिए आपको उसकी फैमिली ढूंढनी पड़ेगी और मेन ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। तो अब मान लो मैं यहाँ से रेंडम कोई भी एक न्यू मटेरियल बना लेता हूँ और नाम दे देता हूँ इसे बैलुस्टर, शॉर्ट में भी बालू रख लेते हैं, और एसेट ब्राउज़र में गए, कोई पेंट ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा डिफरेंशिएशन के लिए, तो पेंट ले लेते हैं। अभी हमारे पास कौन सा पेंट है, ब्लैक है, ब्लैक तो पहले से ही है, तो बैक जाते हैं दोबारा से और इंडिविजुअली पेंट पे क्लिक करते हैं, रेड इंटरेस्टिंग रहेगा या ब्लू इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हम रेड ले लेते हैं। ये हमने रेड को यहाँ से शफल किया एंड ओके, एंड इसको लोड किया एंड ओवरराइट किया, हो गया, क्लियर है ना? यस सर। आई होप ये ऑप्शन आपको भी समझ में आ गया होगा, और शुभम आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। और इसका अगर हम एंडस्केप व्यू लेंगे तो वो जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है इसका, वो रिफ्लेक्शन भी हमें विजिबल होगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। हेलो सर, सर मैंने आपको एक इमेज भेजा है फर्नीचर का, दिख रहा है? यस सर, ये देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट बिल्डिंग में आ गया है, क्योंकि फैमिली जहां जहां पर इस्तेमाल हुई है वहां वहां पे ये चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो डाउट है वो पूछा है जगदीप जी ने, कि ये कुछ इस तरह का है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये कुछ इस तरह की क्वेरी है कि इस तरह का फसाद बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, काउंटर का डिज़ाइन आई थिंक ये, राइट? जी सर। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है रैबिट के अंदर, तो ये मासिंग से बना सकते हो आप। हाँ सर, ये मासिंग से बनाना पड़ेगा। लेकिन मासिंग में सर थोड़ा और करेंगे सर इसमें अपने। हाँ हाँ, अभी टॉपिक बचा हुआ है ना, वो वहीं से करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा है। जी सर, जी सर। हाँ, तो अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो इसे बाद के लिए रखें, जब टॉपिक उसका क्लास शुरू करेंगे तब के लिए, क्योंकि इसमें आधा जी जाएगा कम से कम। जी सर, जी जी, भले भले, लेकिन सर ये करना जरूर प्लीज,
मैंने कह दिया होगा तो होगा, कोई इशू नहीं। और सर अपने को कभी कोई लाइटिंग का, अभी जैसे हमने आपने लाइटिंग किया नहीं है, लेकिन हम लोग जब लाइटिंग यूज करते हैं ना तो उसमें एक पॉज और एक स्विच का ऊपर एक ऑप्शन आता है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसको मतलब कंफ्यूज होते हैं क्या, क्योंकि हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है। वो लाइटिंग का टॉपिक आएगा तब बता दूं तो चलेगा, लेकिन वो खाली ये पूछना था उसका क्या मतलब है, मतलब ऑन है ऑफ किस चीज का ये? मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब ऑप्शन आता है लाइटिंग का, उसमें ऊपर ऑप्शन आता है टर्न ऑन और ऑफ का, उसका मतलब क्या होता है, है ना? जी सर। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास लाइटिंग का, ये जूम करके जाते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास लाइट है और पैरेलली हम रैबिट को ओपन कर लेते हैं, ये लाइट है यहाँ पे, यहाँ पे, अब जैसे हम इस लाइट को सेलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन कह रहे होंगे आप, ये दोनों पास पास में दोनों, ये एमईपी के लिए यूज होते हैं, एमईपी के अंदर यूज करते हैं हम इन ऑप्शंस को, जनरल यूज नहीं है इसका। नहीं 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 नहीं, यहाँ इसका इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ऐड स्विच का ऑप्शन आ गया, जैसे लाइट को स्विच के साथ असाइन करना है तब हम इसको यूज करते हैं। जी ठीक है जी सर। मतलब आप जैसे रूम के अंदर स्विच दिखा रहे हैं और उन स्विच के साथ आप किसी लाइट को ऐड करना चाहते हैं, तब हम इन ऑप्शंस को यूज करते हैं कि देखो सेलेक्ट स्विच का ऑप्शन आ गया ना, जैसे हम क्लिक करेंगे स्विच को सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके साथ असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी जी। जनरली आप इसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका बता देता हूँ। जैसे इसे सेलेक्ट किया लाइट को आपने, यहाँ से थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या फिर डायरेक्ट भी रेंडरिंग में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा रेंडरिंग के अंदर? जब आप यहाँ से, मान लो मैंने यहाँ से आरआर किया, पता होना चाहिए पहले तो वो लाइट है कौन सी, एक तो इसे सेलेक्ट करके एडिट टाइप में भी आता है ऑप्शन, तो यहाँ से देखेंगे हम लैम्प लास्ट प्लस वोल्टेज क्लासिफिकेशन शेड यूजर, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आरआर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑन करते हैं, एक्सटीरियर आर्टिफिशियल, यहाँ से आर्टिफिशियल लाइट पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये पूरी लिस्ट आ गई। अब इसमें जिस जिसको आप अनचेक करोगे ना वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, जहाँ जितनी भी लाइट है, मान लो मैं ऑल कर देता हूँ अभी के लिए समझाने के लिए, ये मैंने ऑल किया, या रैंडमली पिक कर लेते हैं, या सेलेक्ट ऑल करके भी पिक कर सकते हो आप, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि सभी लाइटें आपको, ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइट आई है शायद अभी, ये देखो ये वाली लाइट यहाँ पे है 26 नंबर पे, तो मैंने ऑफ किया 26 को, ओके एंड क्लोज। तो रैबिट के अंदर रेंडरिंग करके देखते हैं ज़रा, एंड ड्राफ्ट एंड ओके। लाइट 26 ऑन किया, ओके एंड रेंडर, दिख रहा है? जी सर। तो रैबिट के अंदर ही डायरेक्ट यहां से कंट्रोल होता है, और एनस्केप के अंदर ये कंट्रोल होता है एनस्केप की सेटिंग में, तो एनस्केप में आ जाओ यहां से,
एंडस्केप, यहाँ से आ जाओ सेटिंग, यहाँ पे आ जाओ विजुअल सेटिंग में। विजुअल सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे इमेज और यहाँ से एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा लाइट, तो यहाँ से सन ब्राइटनेस, शेडो शार्पनेस, ये रहा आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, इसे कम कर दो, दिख रहा है, बढ़ा दो, दिख रहा है जी सर। सर यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं सभी लाइट एक साथ हो गया कि सामने की होगी? सभी लाइटें यहाँ से सभी लाइटें, क्योंकि उसमें तो आपने 26 को पर्टिकुलर बंद कर दिया, इसमें सब एक साथ हो जाएंगी ना? हाँ, वो हम रैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से फिर से डिटेल एक्सेसिबिलिटी है नहीं ना हमारे पास, पूरी एक साथ हो जाएंगी सर। हाँ, ये कंप्लीट लाइट आपको एक साथ करेगा, घर की लाइटिंग गोल हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके जी, तो इतना करने के बाद हम वापस अपने रेगुलर क्लास पे आ जाएं अभी? जी सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है मेरा, खाली पूछना ही है। हाँ बताइए सर, ये फैमिली और पैरामेट्रिक का टॉपिक अभी बचा हुआ है क्या, कभी होगा क्लासेस में आगे? मुझे कहना नहीं चाहिए बट अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है सर, हाँ है ना, फैमिली का पूरा टॉपिक अभी अनटचेबल है, कुछ भी टच नहीं किया हमने, और अडेप्टिव मॉडलिंग का अनटचेबल है, और प्रिंटिंग शीट्स, लाइट, मटेरियल, सोलर स्टडी शायद हो चुका है, हो गया ना सोलर स्टडी? नहीं हुआ है वो भी, नहीं हुआ है शायद सोलर स्टडीज बैच में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आएंगे धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे आएंगे, डोंट वरी। देखिए यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं, कोई भी डिफॉल्ट 3 ले लेते हैं, थर्ड कैमरा, तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड कैमरा आ गया यहाँ से, ये देखो। सी, अब कल हमने कर लिया था कि किस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, वेब स्टैंड अलोन, ईएक्सई स्टैंड अलोन, ये सारी चीज़ें हो गई थी, 3D कैमरा हम पहले कर चुके हैं। आज मैं डेडिकेटेडली फोकस करूंगा सिर्फ असेट लाइब्रेरी पे, और डिटेल में समझेंगे एक एक ऑप्शन को, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई ऐसा रैंडमली मैं एक ऑप्शन करके नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक कैटेगरी को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया असेट लाइब्रेरी के ऊपर, और असेट लाइब्रेरी में भी अभी एक चीज़ जो कंपलसरी है वो ये कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी टू एक्सेस दोज फैमिलीज और लाइब्रेरी असेट्स। बट इसका एक पैरेलली ऑल्टरनेट है जो ऑलमोस्ट मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में क्रैक ही बोलेंगे कि क्रैक हो गया है, उसमें आप चाहें तो ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ डायरेक्टरीज में चेंजेस होंगे, जैसे इसकी जो डिफ़ॉल्ट पाथ होती है जहाँ पे इस चीज़ को रख के हम डायरेक्टली एंडस्केप में ऑफलाइन लाइब्रेरी भी एक्सेस कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो उस पर मैं जल्दी एक वीडियो पब्लिश करूँगा यूट्यूब पर, मे बी इस संडे से पहले पहले आपको वो वीडियो मिल जाए, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप एक बार इंटरनेट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो रिमोट एरिया में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरनेट का एक्सेस अच्छा नहीं है, तो कभी अच्छा है तो वो एनस्केप यूज़ कर पा रहे हैं, कभी अच्छा नहीं है तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पोनेंट बिना नेट के चलते नहीं है, लाइब्रेरी को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो कैसे 4 से 5 से 6 GB तक के कॉम्पोनेंट्स होंगे, उनको कैसे आप पहले एक बार में डाउनलोड करोगे और फिर उसके बाद किस पाथ पे जाके पेस्ट करोगे जिससे ऑफलाइन सारे कंपोनेंट काम करें, तो एक बार वो फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों को वो शेयर कर लूँगा कंटेंट। ठीक है, नाउ अभी मैं दो ऑप्शंस आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, पहला है व्हीकल, तो व्हीकल पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे व्हीकल्स के ऑप्शन मिलेंगे, ये देखिए इन सबको कैसे यूज़ करना है, इनमें मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ और बाकी आप खुद से करके देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो जितने भी डमी कैरेक्टर हैं, जितने भी डमी कंपोनेंट्स हैं, इन सब को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इनमें मान लो हमें ये वाला ट्रक चाहिए, ट्रक विद ट्रेलर, तो जितना हैवी कंपोनेंट होगा उतना ही अपलोड होने में टाइम लेगा, तो मान लो ये हम लगा देते हैं यहाँ पे, स्पेस के साथ आप इसे रोटेट कर सकते हो, ये मैंने इस रोड के ऊपर प्लेस कर दिया। अभी एंडस्केप के अंदर आते हैं,
ये इनस्केप में आ गए और ये हमारा ट्रक है, ये देखो दिख रहा है। यस सर। क्वालिटी इसका बेस्ट पार्ट है, मतलब एनस्केप का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके असेट लाइब्रेरी की फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी, इसके मटेरियल का रिफ्लेक्शन, दिख रहा है ना कितनी क्लैरिटी है, ये देखो। हाँ जी सर। सर वो एकदम वाइट वाइट से क्या आते हैं व्हीकल, जो बिल्कुल ही जिसमें कुछ भी नहीं था, ये वाला? नहीं नहीं सर, जब आप वो उसमें ब्राउज कर रहे थे ना तो सर बिल्कुल मतलब कोई व्हीकल थे ही नहीं, वो मतलब एकदम सिर्फ शेप बना हुआ था। कब? असेट लाइब्रेरी। हाँ ये सर ऊपर वाले, ये सर ये बिल्कुल ये वाले, ये तो डमी। हाँ सर ये क्या है? डमी है, डमी, ये सिर्फ डमी। अच्छा है, बाकी ये सारे आपको जो दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही विजिबल होंगे हाई क्वालिटी में। हाँ ये तो डमी कैसे विजिबल होगी सर, मतलब बिल्कुल ऐसी डमी की तरह? डमी जैसे ही दिखेंगे। हाँ अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन लाइट है लेकिन ड्राइंग में आपको कार दिखानी है, तो आप फिर आप ये हाई क्वालिटी वाले तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके ग्राफिक्स ही नहीं है, तो उस केस में आप डमी यूज करते हो। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, ये है वेजिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्लांट्स और छोटे प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, इन सब के कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं। तो आउटडोर तो आप कर ही सकते हो, आउटडोर तो हमने पहले भी किया है। इसके लिए एक आप, मैं कोई भी एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ इंडोर का। जैसे मान लो यहाँ पे टेरेस है और टेरेस पे हमें प्लेस करना है, तो इंडोर ढूंढेंगे पहले हम यहाँ से, काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे। जितना स्क्रॉल करके नीचे जाओगे आपको उतने अच्छे अच्छे इंडोर प्लांट्स मिलेंगे। ऊपर आउटडोर के हैं, नीचे इंडोर के हैं। तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं बॉटम की तरफ, सर इसमें कुछ प्लांट में सर खाली प्लांट है, किसी में क्या है इंसान खड़े हुए, तो जब इसको अपन वो करेंगे तो इंसान भी। रेशो दिया हुआ है समझने के लिए। अच्छा अच्छा ओके, हाई इतना बड़ा प्लांट है। ओके सर, ओके सर। अब यहाँ से शुरुआत होगी इंडोर प्लांट्स की, ये देखो दिख रहे हैं ना। तो मान लो यहाँ से मैं एक तो ले लेता हूँ। अब देखो नाम भी दिया हुआ है, इंटीरियर प्लांट 15, इंटीरियर प्लांट 12। तो यहाँ से 1 से शुरुआत हो जाएगी, 2 और ये 1, यहाँ से शुरुआत है इंडोर प्लांट्स की। तो मैं 1 लेता हूँ और यहाँ से इसे प्लेस करने के लिए आप चाहें तो पहले आपको लेवल पता होना चाहिए कि 6th लेवल पर आप लगाएंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 6th लेवल पर चला जाएगा। ये चीज़ बहुत 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 काम की है, तो इसको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि अदरवाइज़ वो कहीं हवा में चला जाएगा। देखो अब मैंने लगाया हमने वहाँ पे लेकिन ये नीचे आ गया, तो इस चीज़ को करेक्ट कैसे करना है ये समझ लो, क्योंकि ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हाइट पर प्लेस करना, ग्राउंड पर तो कर लेंगे बट हाइट पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एलिवेशन पर चले जाओ और टेरेस वाला लेवल चेक करो, ये है 4th। तो 4th को एक्टिवेट कर लो पहले, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद इस लेवल पे अब हम प्लेस करेंगे, ये देखो। तो बहुत आसान है, बस सिंपल, एक हो गया, ऐसे ही यहाँ पे 2 हो गया, सेकंड, इसी तरह से 5-6 प्लांट्स लगा देते हैं अच्छे अच्छे और इनको चाहो तो आप थोड़ा सा ना सेल्फ इंटरसेक्ट भी कर सकते हो ऐसे, तो अच्छे लगेंगे मर्ज होते हुए प्लांट्स। सर इसको बेल भी है जो रेलिंग वगैरह पे कई बार घरों में लगी रहती ना, क्या बेल लगी होती है जैसे? वो भी दिखा सकते हैं, वो भी बता दूंगा अभी आपको। अभी पहले इंडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेडरूम में, लिविंग में आजकल बहुत चलते हैं। जब आप वॉक थ्रू करते हैं ना इंटीरियर का, तो इंडोर प्लांट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, इतना कर दिया। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको, फिर आपकी जो क्वेरी है वो बता देता हूँ। ये देखिए,
दिख रहा है वहां पे ऊपर? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अब ये लेवल अचीव करने के लिए आप मतलब कर ही नहीं सकते, समझ लो बाय डिफॉल्ट आप रेबिट में ये काम नहीं कर सकते। तो इतनी हेल्प करता है इनस्केप आपकी अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। ये तो हमने थोड़ा बेलुस्टर का कलर वगैरह चेंज किया हुआ इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ एक बार। इसके लिए हम जाएंगे व्यू में, यहाँ से स्विच टैब करेंगे, बैलिस्टर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल में जाएंगे और पहले वाला मटेरियल ले लेंगे। कौन सा था? बैलिस्टर के नाम से ही था शायद, या डैम प्रूफिंग था शायद। लोड ओवरराइट, अब ज़रा चेक कर लेंगे। परफेक्ट है ना? तो इस तरीके से आप इंडोर प्लांट यूज करेंगे। अब जो आपने वो बेल वाला कॉन्सेप्ट बताया कि हमें कुछ उस तरह की चीज चाहिए, मान लो इसके ऊपर ही दिखानी है हमें यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले लेवल एक्सप्लोर करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ से जरा लेवल चेक कर लेते हैं पहले, इसका लेवल कौन सा है। ऊपर जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको फेस भी एक्टिवेट करना पड़े पहले, इसके लेवल पे जाना है। ठीक है, इसके लेवल पे टेरेस के जस्ट ऊपर है तो इसका एलिवेशन ईस्ट हो गया, इसके जस्ट ऊपर लेवल इस साइड से है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ में मिलेगा शायद वो, नॉर्थ साउथ, साउथ में, साउथ के ऊपर है लेवल हमारा फिफ्थ। तो फिफ्थ लेवल के ऊपर हमें प्लेस करना है, तो यहाँ से हम कर लेंगे लेवल फिफ्थ और यहाँ से आ जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर। ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, बार वाइन करके दिया हुआ है। यस सर, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट, वाइन सिक्स ले लेते हैं हम एंड देन इसको हमने यहाँ से कर दिया प्लेस। तो ये हो गया वन टू थ्री एंड फोर। अब जरा आ जाओ इफेक्ट के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ये देखो कितना सर, ये बाहर की एज पे लगाना हो तो सर वो शिफ्ट कर देंगे वहां से, तो हवा में लटकती हुई नजर आएंगे आपको। नहीं, जैसे जो गैलरी का एजेस होते हैं ना उसके ऊपर, या गैलरी का मतलब प्राइवेसी के लिए लोग कवर करते हैं गैलरी को, हर जगह कर सकते हो, बस आपको लेवल का आइडिया होना चाहिए। ये सेट प्लेन करके करना पड़ेगा सर, या ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसे लेवल से ही हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें सर ग्लास की सर रिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा, मतलब ग्लास दिख ही नहीं रहा है सर रेंडरिंग में, जो रेलिंग पे ग्लास है ना वो दिख नहीं रहा है, विजिबल कम हो रहा है। वो रेविट के अंदर से चेंज करेंगे उसको, दिख रहा है? यस सर। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा और आगे ले लो इसको और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ऑल एंड ऑल आप खुद से डेकोरेट करोगे तो इसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हो, ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हो इसको। अच्छा चलिए, तो ये बात रही प्लांट्स की। मैं इसीलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको इनका इस्तेमाल भी करना है। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स दिए हुए हैं ना इतने सारे, आप जब तक, अब जैसे यहाँ पे आपको डिवाइडर लगाना है, ठीक है, जैसे एक साइड में पार्क है, एक तो कंक्रीट डिवाइडर होता है रोड के साथ में, एक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अलग 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 फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप ये यूज़ कर सकते हो। ये देखो, आप अगर कोई मैरिज प्लेस जैसा कुछ बना रहे हो तो आप ये वाली फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, कोई गार्डन का डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ये फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। घर में जो लैंडस्केपिंग करते हो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपको बाहर लाइक बड़ा सा स्पेशियस एक्सटीरियर है आपका और आप कुछ विला टाइप में या फार्म हाउस टाइप में बना रहे हैं जहाँ पे
स्विमिंग पूल भी है, नेचुरल पूरा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे ये स्टोन और इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। ये इंडोर प्लांट्स आ गए, ये सब भी आप इंडोर यूज़ कर सकते हैं। इंडोर 55 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये बेडरूम के लिए है, जैसे इंटीरियर प्लांट 62 और ये सब आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग में, ऑफिस पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाले जो प्लांट्स हैं यहाँ से 70 से लेके इवन 69 से लेके, बल्कि ये भी कवर कर सकते हैं 68 से लेके और 85 तक, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, हाँ हैं बिल्कुल उससे ज़्यादा हैं, 68 से लेके 105 तक, ये जितने भी कंपोनेंट्स दिए, और ये इतने ज़्यादा रियलिस्टिक है ना, आप इनको यूज़ करोगे ना तो आप इन्हीं को यूज़ करोगे, ये इतने ज़्यादा रियल इफ़ेक्ट आते हैं इनके। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक यूज़ करके, जैसे इस टेरेस के ऊपर ही रख देता हूँ मैं इसको, और यहीं पे आपको इफ़ेक्ट दिख जाएगा इसका कितना रियल होगा। ये देखिए, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है आपको ये, क्लियर है ना सर? इसको भी जस्ट अपन ने रखे हैं सर, अब इसके बाद इसकी रेंडरिंग करेंगे तो और क्लियर दिखेगा ना, जस्ट रखे क्लियर आएगा, राइट, बिल्कुल, और भी ज्यादा क्लियर आएगा रेंडरिंग करेंगे तो। जैसे इसी फोटो का इसी एंगल से मैं एज इट इज एक आपको क्लिप लेके दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ से हम लैंडस्केप में गए और यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया एक, इसको रख देते हैं डेस्कटॉप पे एंड सेव। अच्छा, इस नाम से पहले से सेव है, थोड़ा सा देखो ये भी लैग कर रहा है सिस्टम, ये आ गया है यहाँ पे, दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया। इसको जूम भी करके देख लेते हैं, शायद माउस के साथ कुछ इशू है, ये हो नहीं रहा प्रॉपर। सर अभी तो आपने पिक्सल शायद से और बढ़ाए नहीं है। हाँ नॉर्मली है, 3000 वाली सीरीज में नहीं है, 3000 में। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, और ज़्यादा हम इसमें प्लांट्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी हमारा ये वाला व्यू है ना, पैरेलली से यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने रैबिट किया, लैंडस्केप वाले ऑप्शन पे आ गए। अभी देखो एसेट ब्राउज़र पे आते हैं दोबारा से, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रीट प्रॉप्स। तो स्ट्रीट प्रॉप्स को एक बार एक्टिवेट कर लेंगे और यहाँ पे आपको ये देखो स्ट्रीट के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इसके बगल में आपको बिल्डिंग लगानी है, इसके पीछे बैक साइड में, मतलब पूरा एक ऐसा स्ट्रीट जैसा दिखाना है कि हाँ आपने जो बनाया है वो प्रॉपर एक साइट है। तो ये देख लेते हैं एक बार इसे बना के, डमीज लगा देते हैं हम यहाँ पे। इसके लिए ना यहाँ से साइट एक्टिवेट कर लेना आप, तो टॉप में गए और यहाँ से हमने साइट एक्टिवेट किया ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ आपने ऑलरेडी लगाई हुई है। यहाँ से प्लांट हटा देते हैं, एक बिल्डिंग तो हम ये लगाएंगे, तो कंप्लीट अब यहाँ पे एक सोसाइटी बनने वाली है। इसमें आपको पता होना चाहिए इसका फ्रंट साइड कौन सा है, ये शायद इसका फ्रंट साइड है, तो ये हमने यहाँ पे प्लेस किया और इसको वेरीफाई भी कर लेंगे साथ के साथ कि ये जो हमने किया है प्लेस इज दैट करेक्ट और इनकरेक्ट। सो लेट्स सी, इनकरेक्ट हो गया, ये घूमने वाला है, सेलेक्ट सेलेक्ट, सो दिस इज द फ्रंट साइड, ठीक है, ये एक बिल्डिंग हो गई। इसके साथ में यहाँ से एक दूसरा टावर ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल एंड में लगाएंगे,
ये हमारा हो गया सेकंड टावर। इसी टावर की एक कॉपी हम इधर लगा लेते हैं, इधर पे, और इस प्लांट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लगा लिया हमने, ठीक है। एक हम बड़ी बिल्डिंग ले लेते हैं, उसको बैक साइड में यूज़ कर लेते हैं। तो इतने सफिशिएंट हैं, इतने जो बिल्डिंग्स के प्लान्स हैं वो सफिशिएंट हैं चीज़ों को, इनकी गैदरिंग करने के लिए, बिल्डिंग्स की गैदरिंग करने के लिए। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से एक पूरी सोसाइटी का डिज़ाइन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखो, दिख रहा है? अब ज़रा ज़मीन पे चलते हैं, स्पेस बटन प्रेस किया, ये हम ज़मीन पे आ गए। अब ज़रा ऊपर देखते हैं, ये देखो, अब आपको ना पूरा ऐसा गेमिंग जैसा फील होगा, जैसे आप कोई गेम ही खेल रहे हैं। ये देखो, यहाँ बिल्डिंग है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आप दिखा सकते हो। अच्छा, यहाँ से थोड़ा तेज़ी से भी दौड़ना चाहो तो वो भी दौड़ सकते हो। इधर से जैसे टर्न लिया, ये पार्किंग हो गई, ये रोड है, सामने ये बिल्डिंग है, इधर ये बिल्डिंग है, दिख रहा है ना? इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ना बड़ी स्क्रीन पे, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। ये देखो, ये पूरा एक कमर्शियल साइट है, यहाँ पे ये पूरी एक कमर्शियल साइट है। ये देखो ऊपर तक, बैक साइड आ जाते हैं वापस से, ये देखो लग रहा है ना पूरा इस तरीके से। सर, अभी आपने रेविट में जो बिल्डिंगों को ले आके वहाँ पे रखे थे, तो उसमें जो एलिवेशन के चारों रहते ना कैमरे रहते साइड में, उसके ऊपर भी आ गया था, तो भी विजिबल रहते हैं क्या वो, उसको कवर करने के बाद? तो पैरेलली आप एंडस्केप की विंडो से ही देख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। एंडस्केप की विंडो को हमेशा ऑन ही रखना है ताकि वो व्यू हमें पता लगते रहे कि कहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हैं। सर, रेविट में अगर इसको अपन देखेंगे, जैसे इसके ऊपर आ गया है एलिवेशन के ऊपर ढका गया है, तो उसमें कल को जब रेंडरिंग करेंगे रेविट में, तो तब दिखेगा क्या ये उसके ऊपर आने से? किसके ऊपर? जो एलिवेशन के चारों रहते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके ऊपर आ गया ये अपनी बिल्डिंग। उसका ड्राइंग एरिया तो उसके अंदर ही रहता है ना अपने चारों के एलिवेशन के, कि बाहर करने से भी आता है? मतलब मैं समझा नहीं, जैसे अभी हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता ना? ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप कितने नए भी बना सकते हैं एलिवेशन, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि ये चार तो रेफरेंस के लिए दिए गए हैं सिर्फ, ये समझने के लिए। ओके सर, स्टार्टिंग में एक बार क्वेश्चन किया था ना कि अपन इसको दूर कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसके अंदर अपनी कई बार ड्राइंग अपन ऑटोकैड से लेके आते थे, इसके ऊपर चढ़ जाती थी, तो आप बोले नहीं इसको छेड़ना नहीं है करके, इसको दूर नहीं कर। बताता हूँ, अब ये जो एलिवेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो इस एलिवेशन को अगर आप एक्टिवेट करोगे तो इससे आगे की चीज दिखेगी, इससे पीछे की चीज नहीं दिखेगी आपको। अच्छा अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इससे पीछे का देख नहीं सकते, स्टिल यू कैन मेक अ न्यू एलिवेशन। ओके, ठीक है, ठीक है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर लीजिए प्लीज। तो मैंने सर इतना ढूंढा था सर, मुझे विंडो एसी नहीं मिला सर इस सेट लाइब्रेरी में। ये रहा ना, नहीं सर, ये आउटर है ना, जो इंडोर होता है ना विंडो एसी कह रहे हैं सर। विंडो एसी सर, विंडो एसी नहीं मिला। हाँ सर, विंडो एसी मिला ही नहीं। तो विंडो एसी आप इसका रेविट का ही सर्च कर लेते नेट के ऊपर, नहीं मिला फैमिली से। अच्छा, इसे सर्च कर लेते हैं जरा एक बार। मुझे सर स्प्लिट भी नहीं मिला शायद से, स्प्लिट भी नहीं था सर। ये एक ही ऑप्शन है या तो रेफरेंस का, एयर कंडीशनर का। हाँ, क्योंकि सर काफी मतलब एसी के बिना तो सर आजकल इंडोर मतलब इंटीरियर में कुछ होता भी नहीं है। इतनी बड़ी चीज इससे मिसिंग लगी थी मुझे। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप 3D की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसके फॉर्मेट को चेंज करके आप रेविट में उसे यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो अभी यहाँ पे हम कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉप्स। तो स्ट्रीट प्रॉप्स के अंदर जो बिल्डिंग्स का यूज़ करना है उसकी हेल्प से कैसे, अब यहाँ पे रोड डायरेक्शंस हैं, एरो है, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई पार्क वगैरह बना रहे हो, वहाँ पे आपको बेंचेस यूज़ करनी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्टेयर्स वगैरह, क्रॉस वॉक दिखाना है, क्रॉस वॉक जैसे यूज़ करते हैं ना हम, रोड क्रॉस वॉक दिखाना है, लाइक यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार।
मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस वॉक, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो स्टिल ये कैसा दिखेगा यहाँ पे, इसको देख लेते हैं एक बार। दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा पॉपो सरफेस है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उसकी हाइट में फर्क है, इस वजह से ये इस तरीके से इंटरसेक्ट दिख रहा है। अदरवाइज ये प्रॉपर जैसे ये प्रेस हो रहा है इसी तरह से, अगर लेवल सेम है तो बिल्कुल प्रेस होता हुआ नजर आता है। जैसे अगर इस साइड यूज करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो मिल जाए, बट दैट शुड बी इक्वल, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होना चाहिए इसे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ये बिलबोर्ड्स यूज करने हैं, बेंच यूज करनी है, बस स्टॉप यूज करना है, इस तरह का दिल्ली में तो आप देखोगे इस तरह के बनने भी लग गए हैं बस स्टॉप, ठीक है। साइकिल रैक आपको दिखाना है कहीं पे तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर अगेन ये कुछ फैमिली हाउस हैं जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन है, वो भी आप बना सकते हो। डस्टबिन है, गार्बेज बिन और बाकी चीजें हैं यहाँ पे, ये आप यूज कर सकते हो। स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये यूज कर सकते हो। ये फोन बूथ और पैरगोला, मतलब ये अपने आप जैसे एंट्रेंस के लिए आप दिखाना चाहो, डिज़ाइन के लिए कहीं खुली हुई जगह पे कुछ ऐसा लाइक, अब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो मंडप जैसा लग रहा है, बट ये पार्क वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या कुछ मैरिज हॉल वगैरह आप बना रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको गजीबो बोलते हैं। गजीबो क्या बोलते हैं? गजीबो, गजीबो, गजीबो। हाँ, ये बंगलोज के गार्डन में यूज़ होता है। अजीबो गजीबो को आप बंगलों के गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली इसके बाद आता है नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्रॉप्स। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं, या कोई पार्क बना रहे हैं, वहाँ पे आपको जिम एरिया अलग से डिफाइन करके दिखाना है, या आप गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं, स्नूकर जैसा कुछ, तो हर एक मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको मैक्सिमम कंपोनेंट यहाँ पे मिलेंगे। बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बिलबार्ड्स बॉल्स हो गई, ठीक है, बॉक्सिंग बैग, ग्लव्स, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब जैसे आपको कोई जिम डिज़ाइन करनी है, तो जिम डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास रैबिट में है ही नहीं एक्सेस, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो सारे कंपोनेंट्स। ये देखो, आपको मशीन्स वगैरह प्रॉपर मिल जाएंगी पूरी, ये जनरली आप नेट पे भी ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगा, वो सारा एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक समय के बाद आप अडेक्टिव हो जाओगे एनस्केप के, अगर आप रैबिट प्रॉपर यूज़ कर रहे हो ना तो आप एनस्केप के अडेक्टिव हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से रिलाय करेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स इतनी एक्यूरेसी के साथ दिए गए हैं, फिनिशिंग के साथ, कि आप काम करोगे ही करोगे यहाँ पे आकर के, ठीक है। उसके बाद सर काफी आसानी से बन जाएगा सर इससे तो जिम, मतलब हाँ, सारी मशीन्स से दी हुई है और काफी ज्यादा रियल भी लगेगा, इतनी सारी मशीन्स रखेंगे तो पूरे प्रोटीन वोटीन सब लगेगा। करूंगा कि आप में से कुछ लोग इनिशिएटिव लेकर के इस तरह की चीज बना भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कि मैंने ये जिम का डिज़ाइन, कोई जिम का डिज़ाइन ले सकते हैं बनाने के लिए, कोई एक्सटीरियर के अंदर लाइक कुछ भी एक्स वाई जेड इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, आप इनिशिएटिव लेके कुछ भी डिज़ाइन करने की कोशिश करें इंडिविजुअली, ठीक है, ताकि बाकी लोगों के लिए भी वो एक एग्जांपल सेट हो कि हाँ इन्होंने इस तरह का बनाया है तो हम भी बना सकते हैं। सर मैंने ना क्लासरूम डिज़ाइन किया था ना एक लैब, तो इसमें ना वो जार है, जार जो लैब वैब में होता है ना यूज, उसकी ना ट्रांसपेरेंसी कुछ ज्यादा है, मतलब दिखाई नहीं दिया उसे, बिल्कुल कैमरा क्लोज लेके जाओ तब जाके दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे है, तो इसमें वो चेंजेस हो पाएगा कि नहीं? आ जाएंगे इस तरह की चीजें भी, आ जाएंगे, एक्सेसरीज में भी मिल जाएगा आपको और हॉस्पिटल प्रॉप्स में मिल जाएगा। और सर आपने सर वो फॉल सीलिंग बनाना सिखाई है क्या अभी? नहीं, अभी नहीं आया वो ऑप्शन, लाइटिंग के टाइम बताओ। अच्छा, ओके सर। अब देखो यहाँ पे पीपल के अंदर यहाँ पे आपको इस तरह के डमीज मिल जाएंगे, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको थोड़ा साइट को लाइव करने में, ठीक है। आउटडोर में यूज़ करना चाहते हो, अगेन इंडोर में यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सर इसमें इंडियंस नहीं, सर फॉरेनर्स ही दिखते हैं सर इसमें, इंडियंस नहीं है बिल्कुल।
पीपल में। जिस दिन इंडियंस एप्लीकेशन बनाने लग जाएंगे उस दिन आपका एप्लीकेशन भी इंडियन दिख जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आप एक्सेस कर सकते हैं पीपल के अंदर। और ये देखो, जितना आप बॉटम में जाएंगे उतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको, ये देखो। तो आई होप ये आप एक्सप्लोर कर लेंगे खुद से। फिर आते हैं लाइटिंग के ऊपर। लाइटिंग ये आज का लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम कल एक्सप्लोर करेंगे, इसी में सेम को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये देखो, इसमें आपको इंडोर ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे ये देखो लाइटिंग के। ये बिल्कुल मतलब आप ऐसा समझ लो, अगर आप स्केचअप में काम कर रहे हो तो वेयर हाउस वहाँ पे बहुत एक बैकबोन का काम करता है। इंटीरियर अगर आपको बहुत आसानी से बनाना है तो वेयर हाउस आपको बहुत हेल्प करता है कि आप इंटीरियर बहुत आसानी से बना पाएँ स्केचअप में। स्केचअप के बाद जब आप रेविट में आते हैं तो ये चीज़ आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, कि कंपोनेंट की जो एक्सेसिबिलिटी वेयर हाउस में मिलती है वो रेविट में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एंडस्केप में काम करना शुरू करेंगे आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको सारे कंपोनेंट्स स्पेशली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, फोटोग्राफी स्टूडियो वगैरह कुछ बनाना है तो उसके भी कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। इंडोर अगर आप जा रहे हैं जैसे लाइक इंटीरियर के अंदर बेडरूम वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए, लिविंग एरिया के लिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस लाइटिंग के आपको मिल जाएंगे। वॉल लाइट, सीलिंग, पेंडेंट लाइट्स, एवरीथिंग, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कल से पहले, कल मतलब मंडे से पहले सभी लोग एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, कोई भी, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एक बैकग्राउंड ही क्यों ना हो, और जो प्रोजेक्ट आप मुझे मेल करोगे, मुझे बेशक आप रेंडरिंग शेयर कर लेना विद योर नेम, मेल करना है आपको, वो सारे प्रोजेक्ट जो बेहतरीन होंगे वो हम कम्युनिटी पे भी शेयर करेंगे। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं, तो विद योर मोबाइल नंबर हम वहाँ पे शेयर करेंगे। एंड सेकंड थिंग, जो मैंने आपको दूसरी चीज़ कही है कि आपको अपना फीडबैक जो है वो मंडे से पहले पहले आपको शेयर करना है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये दो ही टास्क हैं आपके। क्लियर? ओके सर। यस सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बाय बाय। हेलो सर। हेलो सर, जो कल जो ये जो ऑप्शन हुआ था ना लास्ट में, कल जो लास्ट में ऑप्शन हुआ था वो थोड़ा समझ में नहीं आया था कल इवनिंग को। क्या ऑप्शन हुआ था? जो आपने एंडस्केप का जो लास्ट में जो आप सिखाया था ना रेंडरिंग का, वॉक थ्रू का आउटर। कोई बात नहीं, मैं कल वाले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, मैं दोबारा से बताने वाला हूँ। जी जी सर, थैंक यू। एक्सटेंड दोनों बताऊंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।